भाई टेंट ना इनसेन गर्म हो गया, इनसेन। हमारे को ना विंडो खोलनी पड़ रही है सारी। क्या शानदार जल रही है, कोई धुआं नहीं था अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस बार हमारे साथ हमारे मित्र एंटी भाई, और हम निकले रात को ओवरनाइट कैंपिंग के लिए। तो जगह तो मैं आपको डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, बट इस बार सरप्राइज है। इस बार हम कोई और लोकेशन पे जा रहे हैं, तो अभी किसी को नहीं पता क्या लोकेशन है, क्या करने वाले हैं। और इस बार सरप्राइज भी है कि भाई कुछ डिफरेंट शूट करेंगे। टाइम क्या हो रहा है, टाइम देख लेते हैं। टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30। इवनिंग व्यू है बिल्कुल, ऑलमोस्ट अब रात ही होगी, क्योंकि आजकल दिन छोटे हो गए ना, तो उस वजह से क्या होता है कि एकदम से रात हो जाती है। तो कोशिश तो थी मेरी कि जल्दी लोकेशन पे पहुंचना है, बट मेरे को व्लॉग पब्लिक करना था और काफ़ी सारे काम थे। एक नई चीज़ मैं जो आज लेके आया हूँ उसके लिए भी मेरे को टाइम लग गया। भाइयों ये जगह है ना जो अनबीटेबल है, देख रहे हो। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम विद नीरज ठाकुर, हम प्यार से एंटी भाई बोलते हैं। आज का कुछ खास प्लान आज मैंने इतने व्लॉग्स देख लिए, मुंह पे पानी आ रहा था भाई खाने को अब आज तो जाना ही पड़ेगा, आज तो खाना ही पड़ेगा विकास भाई के हाथ का। यह तो मेरे को लगता है कि लो जी लाइट लग गई हमारी, हमने ना फुल एम्बियंस चाहिए हमारे को लाइट का। अब हम सामान वामान रखते हैं अंदर, आ जाओ। टेंट सेटअप हमारा हो गया है, तो इस बार प्लान है हमारा कुछ बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ करने का। गांव में तो बहुत कॉमन है वो चीज़, बुखारी, तो इस बार मैं भी लेके आया हूँ। तो मेरा प्लान काफ़ी पहले से था उसको बना के लेके आने का ना, सो ये कस्टम सा मैंने बनाया है। बोर्ड पे मैंने शीट लगाई है, एंड आई होप ये जले ना भाई, इसके नीचे मेरे को लगता है पत्थर लगाने ही पड़ेंगे। तो प्लान कुछ ऐसा है कि टेंट को हम जलाना नहीं चाहते, बट टेंट के अंदर हम बुखारी जलाने का कुछ प्लान कर रहे थे। तो 4 पत्थर यहाँ जैसे रखते हैं ना, बस हमारी हिले ना बुखारी हैं। 1-2 पत्थर तो आप बढ़िया लाए, साफ साफ हैं। 1-2-3-4 और ये आ गई हमारी। यहाँ पे हम ये काइंड ऑफ मेटल शीट है इस पर लगी हुई, यहाँ से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एग्जॉस्ट आउट रखूँगा। और हमारे वाइकिंग से हमने पत्थर मंगाए हैं रात को ढूंढने के, मिल गया, मैंने डाल दिया था वैसे, पर दे दो एक और यूज़ कर लेंगे। वी आर इन वल्हाला, राइट। ये वैसे ना है तो आइडिया अच्छा, क्या बोलते हो, बाहर बर्फ पड़ी हो, बुखारी का मेरे को बड़े टाइम से था यार, पर यहाँ बर्फ पड़ी नहीं, थोड़ा सा ऐसे पहले लगा के देख लेते बुखारी हमारी। लो जी ये वाली पाइप लगेगी ना पहले, भाई ये देखो अपना कोलमैन काटने के लिए ना जिगरा चाहिए, क्योंकि रिस्क ले रहा हूँ मैं इसको काट के, बट क्या भाई काटना तो पड़ेगा ही, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा काटूँगा, पर ये है कि ऑलमोस्ट इसके नज़दीक हम इसको काट लेंगे। सो गाइस ये देखो बुखारी का हमने फुल फ्लैश जुगाड़ कर दिया, पाइप निकाल दी बाहर। वैसा है कि अब ऐसा ना कि अब हमने इसको बंद कर देना है, अब बाकी का जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन टच हो रहा है ना यार, उसको हमारे को थोड़ा दूर दूर करना है। ये देखो गाइस बुखारी का सेटअप डन है, आज फुल ऑन आपको जो बोलते हैं ना एक बुखारी वाला फील दे दिया। तो गाइस बुखारी का हमने
लकड़ियाँ वकड़ियाँ फाड़ ली है बाहर भाई, इट्स अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अब पता लगेगा। वैसे तो मेरे पास जुगाड़ बहुत है, पर जला दूंगा मैं इसको, इसके अंदर मैं रखूँगा एक। आज मैं अपने टॉर्च भूल गया हूँ ना, वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है भाई, उसके बिना ना दिक्कत बहुत होती है, बट आज यूज़ करेंगे हम स्टार्टर फ्यूल। तो इसको हम यूज़ करेंगे आज, और ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, पर मेरे को ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है, पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया इसलिए, लकड़ी वकड़ी फाड़ ली कि पता नहीं क्या, कोई चक्कर नहीं, ये ले लेते हैं भाइयों। ये देखो ये ज़बरदस्त चीज़ है, भगवान भोलेनाथ बढ़िया से हमारी आग जल जाए। ये देखो ये बंदा जलता रहेगा, ठीक है नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, हमारा टेंट ना जले भाई। तो चल जाए भाई, उम्मीदें तो बहुत हैं, और ये मैंने घर पे वैसे चेक की है, बहुत स्मूथली जली है ये, तो अगर हम इसको बंद कर दें। क्या बात है भाई, क्या बात है, देखो देखो, सो डैम गुड। और इसका ना एक वो भी है कंट्रोलर, बट अभी क्या है, अभी हम इसको जलने देंगे फुल ऑन, हमने खिड़कियाँ खुड़कियाँ खोली है वेंटिलेशन के लिए, और अगर ये बढ़िया से हो गई टेस्ट तो फिर इसको हम यूज़ करेंगे भाई खाना पीना बनाने के लिए। सबसे पहले तो पानी गर्म करेंगे इसमें हम, क्योंकि बिना पानी के, गर्म पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, जल तो रही है। इस पर चेक करते हैं अपनी पानी वानी गर्म करके कैसा चलता है। पहले तो पानी गर्म होगा इस पर भाई, ये तो तप गई है भाई, गर्म है ये तो बहुत है, और इसमें प्लास्टिक चिपक रहा है हल्का हल्का, देख रहे हो भाई। टेंट ना इनसेन गर्म हो गया, इनसेन, हमारे को ना विंडो खोलनी पड़ रही है सारी, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, पर बुखारी इज़ लाइक, जो बोलते हैं ना कि बाहर बर्फ़ पड़ी और अंदर आपने बुखारी ला ली, तो आपको सर्दी का मतलब, सर्दी आपका बाल भी मंका नहीं कर सकती, वो हो रहा है मैन, क्रेजी गर्मी होगी अंदर, क्रेजी वाली, और मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने मोटे मोटे लक्कड़ लगाए हमने इसमें ना, और इतने ऐसे बटर की तरह जल रहे हैं स्मूथली। अब कुछ चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी तो तभी चलेगी। हाँ पानी गर्म हो गया, हाय हाय, देख रहे हो सब लोग, ये देखो क्या शानदार जल रही है, कोई धुआं नहीं रहा अंदर, ये देखो बहुत ही बढ़िया। तो इसका हम लकड़ियां लगा देंगे छोटी छोटी छोटी, जो हमने काटी हैं, बहुत ही बढ़िया जम रहा है। को बंद करो, फ्लोम ने पूरा खुला हुआ है, थोड़ा 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 टेंट पिघल रहा है, बट चलो चलेगा इतना तो। सो भाई बुखारी का जो सीन है ना, सुना ही था, हाँ मैंने सुना ही था कि भाई जो बुखारी है ना बहुत अमेजिंगली जलती है, तो अभी मेरे को कुछ नीचे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, नीचे एकदम ठंडा है, बहुत ही बढ़िया सेटअप बना है। आया है इसमें चाय पीना चाहता हूँ पहले, पानी बदल गया हुआ, बट क्या है ना कि जो मेरी बुखारी है वो थोड़ी वो है, क्या कहते हैं, ऊपर से बंद है। चाय तो पियोगे ना आंटी भाई, फिर उसके बाद हम कुछ बढ़िया सा खाना बनाएंगे भाई। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब बर्फ पड़ी हो,
और बाहर बर्फ पड़ी और मैं अंदर बस माइनस में बुखारी लगा के अगली बार मैं बोल रहा हूँ टी शर्ट और निकर में आऊँगा, क्योंकि मेरे को ना सच में इनसेन वाली गर्मी लग रही है और मैं चेंज करने वाला हूँ अभी, तो मैं टी शर्ट में आ जाऊँगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर कम था, मतलब इतना भी नहीं था कि मेरे को बहुत ही, मेरे को ठंड एक्चुअली कम ही लगती है, बट अभी इतनी ज़्यादा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू जस्ट टेक केयर, गुड बाय एंड पीस।